सब्सक्राइब कीजिए अलीम अकेडमी होम ट्यूशन सर्विसेज को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स 31 सेवन्थ एडिशन चैप्टर 4। चैप्टर 4 है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट करना है और सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हमने इनके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 2 और हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है x। अगर हम 2 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2x। ये जो हमारे पास 2x आया, यानी हमने अलजेब्रा में अलजेब्रा को, यानी हमने नंबर्स को, रियल नंबर्स को और हमने अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन किया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, या हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स, या हम इनको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, 2x, ये सारे हैं, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ये जो स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, इन सारी स्टेटमेंट्स को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। जैसे ये पहली स्टेटमेंट है, ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। इस सारी स्टेटमेंट को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हमने मैथमेटिकल फार्मूलाज की शेप में लिखना है इसको। हमने इसकी मैथ में एक एक्सप्रेशन बनाना है जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो कि हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यूट्यूब में जाना है और वहां पे लिखना है अलीम अकेडमी होम ट्यूशन सर्विसेज, तो हमारा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। देखिए हमने क्या ऐड करना है, ये पहला वर्ड जो है ऐड, ये वर्ड अलग है, ठीक है। फिर है दूसरा है 5y अलग है। फिर है 2d का मतलब है कि किसके साथ, ओके। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ये सारा एक्सप्रेशन अलग है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट ये अलग है, ये दूसरी स्टेटमेंट अलग है और ये तीसरी स्टेटमेंट अलग है। ऐड का मतलब है कि हमने प्लस करना है, हमने प्लस करना है किस किस को, ऐड 5y को, तो यहाँ पर आ जाएगा 5y, हमने ऐड करना है 5y को टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, a और b की प्रोडक्ट को। a और b की प्रोडक्ट कैसी आएगी, प्रोडक्ट आएगी a मल्टीप्लाई बी। तो ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ तो आपके पास आ जाएगा ए बी, तो ये आ गई प्रोडक्ट ए और बी की। तो 5y में आपने ऐड करना है ए बी, तो ये जनाब आपके पास पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। यानी कि हमने इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है कि हमने 5y को प्रोडक्ट ऑफ ए बी में हमने ऐड कर दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास ही आ जाएगा, 5y प्लस ए बी। तो चलिए अभी मैथमेटिकल लिखते हैं इसको, 5y प्लस ए बी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। नेक्स्ट आपके पास पार्ट बी है, ओके। बी पार्ट हमारे पास ये है कि सब्ट्रैक्ट, यानी हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ f, फ्रॉम द क्यूब ऑफ f, हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब ऑफ f से। तो क्यूब ऑफ f क्या होता है, क्यूब कहते हैं 3 को, तो क्यूब ऑफ f का मतलब है कि f का क्यूब, f का क्यूब आपके पास इस तरह से आता है f रेज पावर 3, ठीक है, इसे कहते हैं f क्यूब। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3 को। जब ऐड की बारी आएगी ना, देखिए जब ऐड लिखा हो तो ऐड का मतलब है कि आपने प्लस करना है। अगर आप 2 प्लस 3 करें तो उसका आंसर आता है आपके पास 5, और अगर आप 3 प्लस 2 करें तो उसका भी आंसर आता है 5। तो एडिशन में आप चाहे 5a प्लस ab लिख दें या ab प्लस 5y लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपने किस में से किस को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो जिस को सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आता है, जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले आता है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द क्यूब ऑफ f। तो जिससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि फ्रॉम के बाद जो आ रहा है उसको आपने पहले लिखना है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको आपने बाद में लिखना है। यहाँ पर आएगा 3, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। ये जो आप माइनस करते हैं इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये आपके पास आंसर आएगा f रेज पावर 3 माइनस 3 यानी कि f क्यूब माइनस 3। तो चलें अभी इसको मैथमेटिकली लिखते हैं हम, f रेज पावर 3 और माइनस 3, ये आपके पास b पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है c पार्ट। c पार्ट है मल्टीप्लाई k बाई 6 क्यू, मल्टीप्लाई k बाई 6 क्यू यानी आपने k को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपने मल्टीप्लाई करना है k को बाई 6 क्यू। बाई का मतलब है कि किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने k को मल्टीप्लाई करना है 6 क्यू के साथ। तो देखें जब दो एक्स दो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म कर देते हैं और इनको एक साथ रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 क्यू और आगे आ जाएगा k। आप 6 क्यू के लिख लें या 6 के क्यू लिख लें, एक ही बात है। तो चलें अभी इसका आंसर लिख के आपको दिखाते हैं। ये आ जाएगा 6 के क्यू, 6 के क्यू लिख लें या 6 क्यू के लिख लें, बोथ आर द सेम थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। डिवाइड 2w बाय 3xy, हमने 2w को डिवाइड करना है बाय 3xy, यानी हमने 2w को डिवाइड करना है बाय 3xy। तो हमने जिसको डिवाइड करना होता है वो हमारे पास ऊपर आता है यानी कि न्यूमरेटर में आता है, और जिससे डिवाइड करना होता है वो हमारे पास नीचे आता है यानी कि डिनोमिनेटर में आता है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2w और नीचे आ जाएगा आपके पास 3x और साथ में y, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिवाइड 2w बाय 3xy यानी कि 2w ओवर 3xy। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 2w है और डिनोमिनेटर 3xy है। तो चलें अभी इसको नीट करके दिखाते हैं आप। नीट में हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं ताकि आपको रफ में सारा समझा दें। ये बेसिकली पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। वर्किंग आप कर सकते हैं लेकिन अपने लिए, पेपर में आप वर्किंग ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ई पार्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड फ्रॉम द थ्राइस ऑफ एक्स, यानी हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड। पहले है सब्ट्रैक्ट, ये तो आपके पास एक अलग स्टोरी आ गई, सब्ट्रैक्ट यानी कि आपने जो करना है। फिर 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड, ये आपके पास दूसरी स्टोरी आ गई यहाँ तक, ठीक है। 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड, स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, तो हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट को यहाँ से माइनस करना है। और किस में से माइनस करना है, फ्रॉम यानी कि जिस में से आपने माइनस करना है वो क्या है, थ्राइस ऑफ एक्स। ट्वाइस कहते हैं जब किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और थ्राइस कहते हैं जब किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थ्राइस ऑफ एक्स का यानी आप जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस, ये सारा आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द थ्राइस ऑफ एक्स। तो पहले आ जाएगा थ्राइस ऑफ एक्स, यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले आपके पास आ जाएगा 3x, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस। तो इसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड।
पॉजिटिव स्क्वायर रूट फोर टाइम्स, फोर टाइम्स का मतलब है कि जिसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फोर से आपने मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड को, तो ये आ जाएगा फोर और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड, वो इस तरह से आ जाएगा जेड का स्क्वायर रूट, ओके, फोर स्क्वायर रूट ऑफ जेड, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड उसको फोर से मल्टीप्लाई करके तो आपने थ्री एक्स में से माइनस करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलें जी हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, 3x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ z, 3x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ z, ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है f पार्ट, f पार्ट है ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, ट्वाइस द वेरिएबल p, यानी कि ट्वाइस द वेरिएबल p, इसका मतलब है कि ट्वाइस होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये है 2p, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास ऑपरेशन आ गया जो आपने करना है, बाय द किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को, 5 और q को जब ज़रब देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5q, ओके, ज़रब को मल्टीप्लाई भी कहते हैं। अच्छा, ट्वाइस द वेरिएबल p, इसको आपने डिवाइड करना है, ट्वाइस द वेरिएबल p, इसको आपने डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5q, 5q की प्रोडक्ट के साथ, तो 2p ओवर 5q इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें अभी इसको मैथमेटिकली लिख कर दिखाते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2p ओवर 5q। इसका आंसर आ जाएगा f पार्ट का। ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप में से जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारा मकसद है फ्री एजुकेशन। हमारा मकसद है कि ऐसे पाकिस्तानी ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स जिनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि बहुत हाई फीस देकर तो फिर पढ़ते हैं, वो यहाँ पर फ्री पढ़ सकें। ये हमारा चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर फ्री सीखकर पढ़ा सकें और जो यहाँ से फ्री तरह से पढ़ सके, ऐसे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, गिवन डैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास जो है वो x 6 है और y हमारे पास माइनस 4 है, तो हमने इन एक्सप्रेशंस को इवेल्यूएट करना है। इवेल्यूएट का मतलब है कि हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, तो उससे पहले हम इनको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, गिवन डैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4, x हमारे पास 6 है और y हमारे पास माइनस 4 है। सॉल्यूशन से पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है, तो जो आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लें, गिवन डैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4। अच्छा जी, आपके पास x की वैल्यू 6 गिवन है, y की वैल्यू माइनस 4 गिवन है, तो आप क्या करें, आप सिंपली जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है उसमें आप x और y की वैल्यूज को पुट कर दें, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। तो जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो 4 के आगे आपके पास आ रहा है x, 4 के बाद x आ रहा है, यानी 4 के साथ x आ रहा है, तो x की जगह पे आ जाएगा 6। उसके बाद है माइनस, फिर 7 है, 7 के साथ क्या आ रहा है y, तो y की जगह पे आ जाएगा माइनस 4। प्लस माइनस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये सारा कुछ हम आपको चैप्टर 2 में पढ़ा चुके हैं, कि चैप्टर 2 में हम बता चुके हैं कि प्लस माइनस के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं।
और कैसे इजी मेथड है इनको सॉल्व करने का। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जार 24, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और 7 4 जार आ जाएगा आपके पास 28। तो 24 प्लस 28 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 52, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास 5x ओवर 3y प्लस एक्स। क्वेश्चन हम यहां पे लिख लेते हैं, और हर क्वेश्चन से के बाद आपने जो लिखना है, जो वैल्यूज आपको दी हैं उनको आपने यहाँ पे लास्ट में लिखना है। यानी गिवन डैट हमारे पास एक्स 6 है और वाई माइनस 4 है, तो यहाँ भी आ जाएगा कि गिवन डैट एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 4। उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। अच्छा जी, आप देखें जहाँ पे x आ रहा है 5x से मल्टीपाई हो रहा है तो x की जगह पे आ जाएगा 6, 3y से मल्टीपाई हो रहा है तो y की जगह पर आपने लिख देना है माइनस 4, और फिर प्लस x है, x की जगह पे आपने लिख देना है 6। तो आप देखें 5 को 6 से मल्टीपाई करें तो 5 6 आपके पास आता है 30, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस है 4 माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 3 आ जाएगा 12, यानी कि माइनस 12। माइनस को आप ले आए शुरू में, ये फ्रैक्शन से शुरू में आ जाएगा, और 12 और 30 को आप जो है वो कैंसिलेशन कर दें। 6 से टेबल में दोनों आते हैं, 6 2 जार 12 और 6 5 जार 30, 5 ओवर 2 आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2 प्लस 6। तो इनका आप ले लें एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सिंगल फ्रैक्शन आएगी और सिंगल फ्रैक्शन के नीचे आपके पास आ जाएगा 2, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, और फिर आपने क्या करना है कि 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 आए, 2 वन जाए 2, तो यहाँ पर माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आ जाएगी 6 की बारी, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जार 12, तो अब आप क्या करेंगे 12 में से 5 को माइनस कर दें, 12 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 7। तो 7 ओवर 2 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर दें, अदरवाइज ये आपके पास आंसर आ गया है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 को आप अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, 2 3 जार 6, तो माइनस करें, माइनस करने से आंसर आएगा 1, तो यहाँ से शुरू हो जाएं 3 होल 1, 1 ओवर 2, 3 होल 1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट है 2x² माइनस y³। तो आप क्या करें, पहले आप क्वेश्चन को नीचे कॉपी कर लें, और उसके बाद आप वो वैल्यूज लिखें जो आपको दी हुई हैं, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 6, और y आपको दिया हुआ है माइनस 4। तो आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपके पास है इसमें आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर देने। अच्छा 2x², तो x की जगह पर आ जाएगा आपके पास 6 और इसका आ जाएगा स्क्वायर 2 × 6², और y आपके पास है माइनस 4, तो y की जगह पर आ जाएगा माइनस 4 और इसके ऊपर आ जाएगा इसका क्यूब। ओके जी, आप देखें 2 × 6 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 6 का स्क्वायर आता है 36,
और अब देखिए -4 का क्यूब, याद रखें कि -4 का क्यूब का मतलब है कि -4 × -4 × -4, यानी -4 को आपने 3 times मल्टीप्लाई करना है। तो -×- होता है प्लस और +×- होता है माइनस, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तो 4 का क्यूब लें तो 4 का क्यूब आपके पास आता है 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो इसका आंसर आ जाएगा -64। अच्छा जी, आप देखें 64 को आप बाहर ले आए ब्रैकेट से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +64, और 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 × 2 आ जाएगा 72। + 64 आ जाएगा 136, तो 136 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, वही एक ही प्रोसीजर है हमारा, उसी को आपने फॉलो करना है। आप पहले इन क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करें और ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपको गिवन है, गिवन डॉट एक्स इज इक्वल टू 6 एंड y is equal to -4। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दें कि अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले उसके बाद। यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो यहाँ पर क्या होगा कि x की जगह पे आ जाएगा 6 और यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 6 और नीचे y की जगह पर आएगा -4। -4 का जो माइनस है इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये 6/4 आ जाएगा, माइनस आएगा y का स्केयर, y आपके पास -4 है तो ये बन जाएगा -4 का होल स्केयर। सिक्स थ्री ज़ा आ जाएगा 18 और इसको करें तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, और माइनस का जब स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 का स्केयर आ जाएगा 16, 4 × 4 = 16, तो ये आ जाएगा 16 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें कि ये देखें हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो बल्कि थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताते हैं। अच्छा ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है डी पार्ट, पहले हमने इसको यहाँ पे दोबारा लिखा, फिर हमने वैल्यूज़ को लिखा जो वैल्यूज़ दी हैं। ये जो दो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हैं ये बेसिकली अगर आप स्कूल का काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप LGS बीकन हाउस श्रेफात किसी स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल का काम कर रहे हैं तो आपने ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके टीचर्स चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स करें मैथमेटिक्स में ताकि आपकी लर्निंग ज़्यादा हो, स्पेशली होमवर्क में या पेपर में, स्कूल के पेपर में। लेकिन जब आप ओ लेवल्स की बात कर रहे हैं तो ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स में वो इस तरह की चीज़ें अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं कि आप उसको लिखें, क्वेश्चन को क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको आगे लिखें, लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके फिर उसको वहाँ पर लिख दें, ओके। तो आप ये स्टेप इस तरह से, ये स्टेप छोड़कर आप ये वाला काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है आप पेपर में भी ये कर देते हैं तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी करते तो उसके नंबर्स नहीं कटेंगे आपके। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इनका आप एलसीएम लें। एक चीज़ याद रखें, जब भी आपके पास जो है वो फ्रैक्शंस आ जाएं और फ्रैक्शंस में आपके पास जो है वो प्लस माइनस के साथ हों तो उनका हमेशा आप एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो इनके नीचे 2 ही आ रहा है, तीनों के नीचे, सॉरी 18 के नीचे 1 आ रहा है, 16 के नीचे 1 आ रहा है, 3 के नीचे 2 आ रहा है, तो 1, 1, 2 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो पहला 2 को आप मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, 18 × 2 = 36 और माइनस 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 × 2 = 1 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 16 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 16 × 2 = 32। थर्टी सिक्स में से 32 माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास 4, 4 − 3 आपके पास आ जाएगा 1, तो 1/2 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
1/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर जो नंबर आ रहा है न्यूमरेटर 1, वो 2 से छोटा है, इसलिए आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा से आपको बता दें कि ऐसे लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन क्वेश्चंस को करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत मेहनत लगती है और हम इस पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे लिए यही काफ़ी है। अगर आप कहते हैं वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो हमें आपसे बस यही चाहिए। हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे अप्रिसिएशन चाहिए। डैट्स इट, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें अगर आपको अच्छी लगे, सारी वीडियो हमारी देखा करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, गिवन डैट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 6, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए, बी और सी की वैल्यूज गिवन है, तो हमने इन एक्सप्रेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। पहले हमारे पास ए पार्ट है, तो ए पार्ट जब आपने लिखना है तो इसको पहले आप जो है वो क्वेश्चन को लिख लें। अच्छा, अब ए, बी और सी की जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो लिख लें, 3, -5 एंड 6। It is given that A is equal to 3, B is equal to -5, C is equal to 6, -5 and C is equal to 6. तो इन वैल्यूज को आपने इसमें पुट कर देना है। ए की जगह पर आ जाएगा आपके पास 3 और सी की जगह पर आ जाएगा 6 और बी की जगह पर आ जाएगा -5। ओके जी, अब क्या करें, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, जो 3, 6 आ जाएगा आपके पास 18 और ये माइनस माइनस बन जाएगा +5। एटीन प्लस फाइव का जो आंसर आपके पास आता है 18 and 5, 23। ट्वेंटी थ्री को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 69 आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। चलें जी, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है इट इज़ गिवन डैट दिस। बी पार्ट इसका भी यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं और ये हमने क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया। तो अब हम यहां पर
ओके, इट इज़ गिवन डैट ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू माइनस 5, सी इज़ इक्वल टू 6. तो इनकी वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें. तो ए की जगह पर आपके पास आ जाएगा 3 और फिर बी आपके पास है माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर और फिर ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और फिर सी की जगह पर आ जाएगा 6. ओके जी, 6 3 सा यहाँ से शुरू करते हैं सेट्स. माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 25 और यहाँ पर 6 3 सा आपके पास आ जाएगा 18. से 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 25 टू ज़ा 50, 25 थ्री ज़ा 75, 75 में से 18 माइनस करें, 75 में से 20 माइनस करें तो आता है 65, 55, 55 में से 2 आप प्लस कर दें तो आ जाएगा 57. तो 57 इस पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट. क्वेश्चन हम यहां पे दोबारा लिख लेते हैं. क्वेश्चन लिखने के बाद आपने लिखना है वो वैल्यूज़ को जो क्वेश्चन में गिवन है. ए इज़ इक्वल टू 3 है, बी इज़ इक्वल टू माइनस 5 है, सी इज़ इक्वल टू 6 है. तो अब आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कर देना है. क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बी की जगह पर आपके पास आ जाएगा माइनस 5 और ए की जगह पर आ जाएगा 3 और सी की जगह पर आ जाएगा 6 और बी की जगह पर आ जाएगा माइनस 5. जो पहले वाला माइनस है वो आएगा फ्रैक्शन के शुरू में यानी कि यहाँ पर और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस तो ये आ जाएगा 6/5. दो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में प्लस और माइनस है तो हम इनका एलसीएम लेंगे. जब एलसीएम लेंगे तो 5/3 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 15. क्यों आएगा 15? क्योंकि 5/3 किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते. तो जो नंबर किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते जब उनको आपने उनका एलसीएम लेना हो तो आप उनको सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 3 15 इसका एलसीएम आ जाएगा. 3 का टेबल पढ़ें कि 15 आए, 3 5 15, 5 को मल्टीप्लाई करें ऊपर 5 के साथ तो 5 5 आ जाएगा 25 और माइनस का साइन आएगा इससे पहले. उसके बाद आएगा प्लस. 5 का टेबल पढ़ें कि 15 आए, 5 3 15, 3 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 6 3 18 आ जाएगा. 25 में से 18 माइनस करें, 18 प्लस 2 20 तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 7. माइनस 7/15. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 7 जो है वो छोटा है 15 से. तो माइनस 7/15 आपके पास आंसर आ जाएगा. तो जो 7 माइनस आपने लिखना होता है वो आपने लिखते हैं फ्रैक्शन से पहले. तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं 7/15. नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है. क्वेश्चन लिख लिया आपने. क्वेश्चन लिखने के बाद आप लिख लें वो वैल्यूज़ जो आपके गिवन है. ए गिवन है 3, बी गिवन है माइनस 5 और सी गिवन है 6. अब आपने इन वैल्यूज़ को पुट करना है इस क्वेश्चन में. तो जहां पर बी है वहां पर आ जाएगा माइनस 5
और जहाँ पर सी है वहाँ पर आ जाएगा 6 और ए की जगह पर आ जाएगा 3 3 6 माइनस 5 ओके जी माइनस 5 प्लस 6 का आंसर आ जाएगा प्लस 1 और ये प्लस 1 क्यों आएगा माइनस 1 क्यों नहीं आएगा ये सारा कुछ हम आपको चैप्टर 2 में बता चुके हैं डिटेल के साथ। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती कि कहाँ पर प्लस आता है कहाँ पर माइनस तो आप चैप्टर 2 जो है उसको दोबारा से देख लें ओके 6 प्लस 3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा माइनस 5 ओके जी ये आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 9 ओवर माइनस 5 तो इसको आप क्या करें कि यहाँ से आप जो माइनस है इसको आप यहाँ से शुरू में लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 9 ओवर 5 ओके जी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में माइनस है तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे सॉरी प्लस माइनस कह रहा हूँ हम इनका एलसीएम लेंगे जब एक बार प्लस प्लस है और माइनस है फ्रैक्शंस हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो आ जाएगा 15 तो 3 5 ज़ा 15 तो 5 1 ज़ा आ जाएगा 5 और माइनस 5 3 ज़ा 15 और 9 3 ज़ा आ जाएगा 27 27 में से 5 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 22 माइनस 22 ओवर 15 तो अब आप क्या करें कि आप 22 को जो है वो ब्रैकेट के अंदर रखें और आप 15 को ब्रैकेट के बाहर रखें 15 वन ज़ा 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 तो 1 होल 7 ओवर 15 इसका आंसर आ जाएगा माइनस जो है वो शुरू में आ जाएगा यहाँ पर 1 होल 7 ओवर 15 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हमने इनको सिंप्लीफाई करना है ओके जी पार्ट ए है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपने इसको शॉर्ट करके इसका आंसर देना है जब भी आपने सिंप्लीफाई करना हो तो आप क्या करेंगे जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको आप इकट्ठा कर लें पहली टर्म है 5x तो 5x के अलावा देखें ये टर्म तो यहाँ पर आ गई अब देखें और कौन सी टर्म है x वाली ये है माइनस 6x तो इसके बाद आ जाएगा माइनस 6x ठीक है फिर आ जाएगा ये वाला 22 प्लस 22 और फिर देखें इसके साथ की और टर्म कौन सी है जो जिसमें ना x आ रहा है ना y आ रहा है ना z आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा वो है 23 तो ये आ जाएगा माइनस 23 ठीक हो गया तो ये हमने दो टर्म्स अलग कर ली ये टर्म्स अलग कर ली ये था पहला काम जो आपने करना है सिंप्लीफिकेशन में कि आपने लाइक टर्म्स को अलग अलग करना है उसके बाद आपने इनको प्लस माइनस करना है प्लस माइनस करने का सारा रूल हम आपने हमने आपको चैप्टर 2 में बता दिया है तो अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दें लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डायरेक्ट भी करेंगे यानी हम ये नहीं आपको बताएंगे कि प्लस 5 हो और माइनस 6 हो तो फिर आपने क्या करना है कि प्लस आना है कि माइनस आना है ये सारा काम चैप्टर 2 में आ चुका है प्लस माइनस वाला सारा काम वहाँ पे एक्सप्लेन हो चुका है यहाँ पर हम सिर्फ आपको अक्सर क्वेश्चंस में डायरेक्ट बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो माइनस 1 आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पहले आ जाएगा आपके पास 5x उसके बाद जो इसकी लाइक टर्म है वो है 6x तो माइनस 6x आ जाएगा प्लस आएगा 22 और उसके बाद माइनस आएगा 23 यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा लें तो ये हमने इसको जो है वो
अरेंज कर दिया इसको। अब देखें 5x माइनस 6x, इनका जो आंसर आता है ना, देखें 5 के साथ प्लस है, और एक बार आपको ये सारा दोबारा से बता देते हैं। देखें ये है प्लस 5x और फिर है माइनस 6x। देखें प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है माइनस। इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन में माइनस करना है, जो ये माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन में माइनस करना है। ठीक हो गया। तो अब देखें माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 1x। अच्छा, अब बारी आती है साइन की, तो साइन आपने लगाना है बड़े नंबर का। ओके, साइन आएगा बड़े नंबर का साइन आएगा। ठीक हो गया, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। बड़ा नंबर इनमें 6 है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1x इसका आंसर आएगा। तो x के साथ अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो माइनस 1x को आप माइनस x भी लिख सकते हैं। ओके जी, ये आ जाएगा माइनस x और फिर 22 माइनस 23 का आंसर आ जाएगा माइनस 1। तो माइनस x माइनस 1 इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके जी, बी पार्ट है x प्लस 3y प्लस 6x प्लस 4y। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप इन टर्म्स को अरेंज कर लें। टर्म्स को अरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x के बाद आपके पास आ जाएगा प्लस 6x और प्लस आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 4y, यानी x वाली टर्म्स को आपने अलग कर दिया, y वाली टर्म्स को आपने अलग कर दिया। तो x जो है ना वो बेसिकली 1x है, 1x प्लस 6x आ जाएगा 7x और 3x प्लस 3y प्लस 4y आ जाएगा 7y। तो 7x प्लस 7y इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, सिक्स एक्स वाई प्लस 13x माइनस 2yx माइनस 5x। देखें पहला है 6xy, 6xy का देखें कि ये xy है, अब xy हो या yx हो वो एक ही टर्म होती है, तो 6xy आ जाएगा इसके साथ और ये 13x आ जाएगा 5x के साथ। तो पहले हम इनको अरेंज करते हैं, 6xy और ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2yx और प्लस 13x माइनस 5x। 6xy माइनस 2x, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो यह आ जाएगा 4yx। 4yx लिख लें या 4xy लिख लें, ये एक ही चीज़ है। 13x माइनस 5x, 13 में से आपने 5 माइनस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 8x आ जाएगा आपके पास। तो 4xy प्लस 8x इसका आंसर आ जाएगा फाइनल।
6x डी पार्ट है हमारे पास, 6x माइनस 2y प्लस 7z माइनस 8x प्लस 25y माइनस 11z। पहले देखें 6x के साथ और क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 8x, तो इसको आप लिख दें 6x के साथ, 6x माइनस 8x माइनस 20y के साथ आप लिखें प्लस 25y। और 7z माइनस 11z इकट्ठा आ जाएगा। हमने तीन तीन टर्म्स को कंबाइन कर लिया, सॉरी दो दो टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया, 6x माइनस 8x, 6 में से आपने 8 माइनस करना है, नहीं होते 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 2x। कैसे आएगा चैप्टर 2 देखें, माइनस 20y प्लस 25y, 25 में से 20y माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5y। 7z माइनस 11z, 11 में से 7 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4z। तो माइनस 2x माइनस 5y माइनस 4z, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक हमने यहाँ पे गलती कर दी है, ये बेसिकली 25 देखिए, माइनस 20y प्लस 25y, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो 25 है, तो उसका साइन आएगा यहाँ पर आपके पास प्लस का, तो माइनस 2x प्लस 5y माइनस 4z इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, हमने इन एक्सप्रेशंस का सम फाइंड करना है, तो इन एक्सप्रेशंस का हमने सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये देखना है कि इनके दरमियान कितनी टर्म्स हैं। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर देखें ये 2x प्लस 4y ये एक टर्म है और ये माइनस 5y सेकेंड टर्म है, हमने इन दोनों को प्लस करके इनका सम फाइंड करना है। फिर माइनस भी माइनस 4a एक सिंगल टर्म है और 7b माइनस 6 है सेकेंड टर्म है, इस तरह से ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, हमने इनको प्लस करके इनका सम फाइंड करना है। चलिए अभी करते हैं इनको, फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 4y माइनस 5y, तो जब आपने इनका सम फाइंड करना है तो क्या होगा कि जहां पर कोमा आ रहा है वहां कोमे की जगह पे आ जाएगा प्लस, ये देखें यहां पर ये पहले आएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन, और उसके बाद आपने प्लस का साइन लगा के तो आगे आपने लिखना है सेकंड एक्सप्रेशन। ओके जी, 2x प्लस 4y अलग आ जाएगा, प्लस माइनस 5y अलग से आ जाएगा, हमने इनको प्लस कर दिया, इनका सम हमने लिख दिया है। अब हमने ये सम फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे जब पहले वाली तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4y, और जब दूसरे वाली ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5y। अच्छा देखें 2x तो सिंगल है वैसे ही आ जाएगा, 4y माइनस 5y को आपने सॉल्व करना है, 4 माइनस 5 आ जाएगा माइनस 1y, तो माइनस 1y का मतलब है कि माइनस y, 2x माइनस y इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा।
ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन है बी पार्ट, माइनस बी माइनस फोर ए, सेवन बी माइनस सिक्स ए। तो हमने दोनों एक्सप्रेशंस को सम की शेप में हमने लिख दिया, यानी हमने पहले एक्सप्रेशन को लिखा ब्रैकेट में, प्लस लगाकर हमने दूसरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख दिया। और यही इनका मेथड है कि आप पहले जहाँ पे कोमा आ रहा है वहाँ पे प्लस लगाएं, दोनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में लिखें और नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें। ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करें, बी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, माइनस बी प्लस सेवन बी आ जाएगा और माइनस फोर ए माइनस सिक्स से आ जाएगा। माइनस बी प्लस सेवन बी का आंसर आ जाएगा प्लस सिक्स बी और माइनस फोर ए माइनस सिक्स ए का आंसर आ जाएगा माइनस टेन ए। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। सी पार्ट है 60 माइनस फोर सी एंड माइनस सेवन सी प्लस 60। हमने इनको इनका सम फाइंड करना है। उसका मेथड क्या है कि पहला एक्सप्रेशन आप जो है वो ब्रैकेट में लिखें, फिर दरमियान में प्लस लगा के जहां पर कोमा आ रहा है वहां पर प्लस लगा के दूसरा एक्सप्रेशन भी ब्रैकेट में लिखें और इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें। ब्रैकेट्स का फायदा ही होता है कि आपसे गलती नहीं होती। अच्छा देखें, गलती कैसे नहीं होती, जब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो देखें ये बाहर प्लस का साइन है, प्लस का साइन इन सब से मल्टीप्लाई होगा, जब प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस सेवन सी और फिर जब प्लस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस प्लस सिक्सटी। ओके, अब आप क्या करें, डी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, सिक्स डी के बाद आ जाएगा प्लस सिक्स डी और फिर आ जाएगा माइनस फोर सी माइनस सेवन सी। सिक्सटी प्लस सिक्सटी आ जाएगा आपके पास ट्वेल्व डी और माइनस फोर माइनस सेवन आ जाएगा माइनस इलेवन सी। तो ट्वेल्व डी माइनस इलेवन सी इसका सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। डी पार्ट है थ्री पी क्यू माइनस सिक्स एच के और सेकेंड एक्सप्रेशन है माइनस थ्री क्यू पी, क्यू पी या पी क्यू ए ही बात है, प्लस फोर्टीन के एच, के एच हो या एच के हो दे आर द सेम। ओके, हमने दोनों एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट्स में लिख लिया है, उनके दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया है, यानी कि हमने इनका सम फाइंड करने का एक्सप्रेशन बना लिया। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे।
यानी कि हम इनकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे। बाहर प्लस है, अंदर जो है वो साइंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। थ्री पी क्यू के साथ आप जो है वो माइनस थ्री क्यू पी लिखेंगे और माइनस एच के साथ आ जाएगा 14 KH। देखिए 3PQ है और माइनस 3QP है, यानी कि वो उसके बाद है माइनस 3PQ। तो दोनों सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर्स से आप एक साथ देखे हों प्लस माइनस में तो वो आपस में कट जाते हैं, कट जाएंगे तो ज़ीरो आंसर रहेगा। ज़ीरो मीन्स के यहाँ से ये गायब हो जाएंगे। अब आ जाएगा माइनस 6HK और प्लस 14KH। तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी इनको माइनस करेंगे 14 में से 6 माइनस करें आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा 8KH इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 8KH लिख लें या 8HK लिख लें, दोनों ही ठीक है। अब आगे आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वो वाले क्वेश्चंस जिनसे आपको डर लगता है। वर्ड प्रॉब्लम पूरी दुनिया के बच्चों की ही प्रॉब्लम है, इनसे सभी को डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने इनके लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है इन स्टेटमेंट्स के लिए। इस तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी था, लेकिन वो थोड़ा इससे ईजी था, ये थोड़ा सा उससे टफ है। पार्ट ए है, सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। हम कोशिश करते हैं कि इतना आसान बना के आपको एक्सप्लेन करें कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। पार्ट ए है, सॉल्यूशन इसका यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं, ऊपर भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ओके, सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y। देखिए पहले तो देखें कि फ्रॉम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम, यानी कि इसके पीछे का एक्सप्रेशन जो है वो अलग है, ठीक है, और इसके बाद का एक्सप्रेशन जो है वो अलग है। पीछे क्या है कि सब्ट्रैक्ट, ये तो वो ऑपरेशन है जो आपने करना है। क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y, एक्स और 3y की जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगी 3xy। अब इसका क्यूब रूट, क्यूब रूट ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, और अगर यहाँ पर आप 3 लगा दें तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट, यानी कि ये आ गया क्यूब रूट किसका, x और 3y का। तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट कहाँ से करना है, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b, यानी कि a और b का सम और फिर इसका स्क्वायर, यानी कि इस तरह, इससे आपने उसको माइनस करना है। तो चलें जी अभी करते हैं इसको। ये भी पेपर 1 का क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख देना है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें से आपने माइनस करना है किसको, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ये आ जाएगा क्यूब रूट प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y, तो ये आ जाएगा 3xy। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 3xy। बी पार्ट है, द टोटल वैल्यू ऑफ द x 20 सेंट क्वींस एंड y 5 डॉलर नोट्स इन सेंट्स। हमने टोटल वैल्यू लिखनी है x 20 सेंट क्वींस की एंड y 5 डॉलर नोट्स की इन सेंट्स, यानी कि सेंट्स के अंदर इनकी हमने टोटल वैल्यू लिखनी है। अच्छा देखें जी, द टोटल वैल्यू, यानी कि हमने टोटल वैल्यू का मतलब है कि हमने इनको प्लस करना है, ऑफ x 20 सेंट्स x क्वींस, यानी कि 20 सेंट x, यानी कि x नंबर हैं 20 सेंट क्वींस के। तो अगर फ़र्ज़ करें अगर x आपके पास 5 हो
तो हम क्या करेंगे कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली जितने कॉइन्स हों आपने उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 20x, ठीक है, 20x सेंट्स। ओके, तो ये तो इस एक्सप्रेशन का हमने लिख दिया 20x सेंट्स। एंड और किसको प्लस करना है, वाई $5 नोट्स इन सेंट्स, $5 नोट्स। एक डॉलर में कितने सेंट्स होते हैं, 100, तो $5 में कितने हो जाएंगे, 500 सेंट्स। तो 500 यानी कि $5 के कितने नोट्स हैं, $5 के वाई नोट्स हैं। तो 500 इंटू वाई सेंट्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यानी हमने इसको सेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आप बेसिकली आप सिंपल क्या करें, आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 20x प्लस 500y। तो ये आ जाएगा 20x और उसके बाद आ जाएगा प्लस $5 यानी कि 500 सेंट्स और 500y। तो ये सारा प्लस करके तो इनके आगे आप लिखते हैं सेंट्स, यानी कि इनका आंसर जो है वो सेंट्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन डेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू -2, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है, यानी कि हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। जो वैल्यूज गिवन है उनको यहाँ पे लिख लें। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, फर्स्ट पार्ट है, तो पहले आप इसको ऐसा करें कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिख लें, ओके, और इसके बाद आप लिख लें कि गिवन डैट कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -2 है। तो अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ए की जगह पर आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा और बी की जगह पर आ जाएगा आपके पास -4 और सी की जगह पर आ जाएगा आपके पास -2 और फिर एक ही जगह पर आ जाएगा 3 और फिर सी की जगह पर आ जाएगा -2 और सी की जगह पर आ जाएगा -2 और बी की जगह पर आ जाएगा -2। थ्री थ्री को मल्टीप्लाई करें, 3 3 आ जाएगा 9, तो 9 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +4। नीचे आ जाएगा 2 2 4 यानी कि -4, 3 3 आ जाएगा 9 आपके पास, तो माइनस माइनस आ जाएगा +2 और यहाँ पर आ जाएगा -2 और माइनस माइनस -2 और माइनस माइनस आ जाएगा +4। नाइन प्लस फोर आ जाएगा आपके पास 13, नीचे आ जाएगा -4, माइनस आप शुरू में लिख लें तो -13/4 आ जाएगा और यहाँ पर 9+2 आ जाएगा 11, नीचे आएगा 4-2 आ जाएगा +2। दो टर्म्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस माइनस है, तो हमेशा हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा आपके पास 4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 आए तो 4 1 4, तो ऊपर आ जाएगा -13 और -13 के बाद आएगा प्लस, 2 2 4 11, 2 22।
22 में से आप 13 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 4। 9 को आप जो है वो डिवीजन के अंदर रखें और 4 को आप बाहर रखें। 4 टू ज़ा 8 1 तो 2 होल 1 ओवर 4 इसका आंसर आ जाएगा। टू होल 1/4 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है। यहां पर भी हम लिख लेते हैं वो वैल्यूज जो गिवन है। ओके जी, 2c-a/3c + b - 5a + 4c/c - a। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें, c की जगह पर आ जाएगा -2 और ए की जगह पर आ जाएगा आपके पास 3। सी आ जाएगा -2 और बी की जगह पर आ जाएगा 4। यहां पर ए आ जाएगा आपके पास 3, सी आ जाएगा आपके पास -2 और ए आ जाएगा 3। टू टू ज़ा आ जाएगा जी -4 -3 और नीचे आ जाएगा 3 टू ज़ा -6 और आ जाएगा -4, फिर 3 फाइव ज़ा 15 और आ जाएगा 4 टू ज़ा 8 यानी कि -8, नीचे आएगा -2 -3। -4 -3 आ जाएगा -7, -6 -4 आ जाएगा -10, 15 में से 8 माइनस किए आ जाएगा 7, -2 -3 आ जाएगा -5। ये जो शुरू में माइनस आ रहे हैं ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये दोनों प्लस आ जाएंगे। यहाँ पर जो माइनस है वो इधर आ जाएगा और वहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस की दो टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस है, दो फ्रैक्शंस हैं, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे 10 और 5 का तो वो आएगा 10। क्यों आएगा? क्योंकि 10 5 के टेबल पे डिविजिबल है, इसलिए उसका जो एलसीएम है वो 10 आएगा, यानी कि बड़ा नंबर एलसीएम आएगा। 10 का टेबल पढ़े 1 तक, 10 वन ज़ा 10, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो 7 वन ज़ा 7 आ जाएगा। 5 का टेबल पढ़े 10 तक, 5 टू ज़ा 10, 2 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो 14 आ जाएगा। 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, 21 ओवर 10 आ जाएगा। 21 को आप रखें ब्रैकेट के अंदर और 10 को रखें बाहर। 10 टू ज़ा 21, 2 होल 1 ओवर 10। टू होल 1/10 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
ऊपर जो गिवन लिखा हुआ है आपने उसको आप वहीं से देख लें कौन सी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर आपने लिख देना है कि गिवन डैट ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, और उसके बाद आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। वैल्यूज को पुट करेंगे तो ए की जगह पर आपके पास आ जाएगा 3, बी आ जाएगा -4 और सी आ जाएगा -2। ए आपके पास आ जाएगा 3 और बी आ जाएगा -4। सी आ जाएगा -2 और बी आ जाएगा -4। थ्री और प्लस माइनस आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 2 × 4 -4। 3 × 2 आ जाएगा -6 -3 और माइनस माइनस बन जाएगा +4। 5 × 2 आ जाएगा -10 4 × 4 आ जाएगा -16। -4 - 4 आ जाएगा -8, 3 - 4 आएगा -1, तो -1 - 4 आ जाएगा -5। -6 - 3 आ जाएगा -9, तो -9 + 4 आ जाएगा -5। तो यहाँ पर ये माइनस जो ऊपर है वो नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। देखिए -5/-5 दोनों नंबर्स ऊपर नीचे कैंसिल होंगे, जब ऊपर नीचे नंबर कैंसिल होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो उनका आंसर आता है 1, और जब नंबर्स आगे पीछे कैंसिल होते हैं तो उनका आंसर आता है 0। तो यह जगह 1 - 10/16। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 5s are 10 और 2 8s are 16। इनका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 LCM आ जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करें आप 1 के साथ, तो 8 × 1 = 8 -8 × 1 = 8 और 5 × 1 = 5 आ जाएगा। एट माइनस फाइव आपके पास आ जाएगा 3/8, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आप वो लिख लें जो वैल्यूज आपको गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। मैं तो ऊपर से कॉपी कर लेता हूं, लेकिन जब आप कॉपी पे काम कर रहे हैं तो आपने ये सारी वैल्यूज को दोबारा लिखना है। ओके जी, यहां पर देखें कि बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 और सी की जगह -2, बी की जगह पे आ जाएगा -4। ए की आ जाएगी वैल्यू 3, सी की वैल्यू आएगी -2
बी की वैल्यू आएगी माइनस फोर। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस फोर तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस टू, थ्री टू जा आता है सिक्स, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स, प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्सटीन। माइनस फोर इंटू माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो फोर टू जा एट, तो एट ओवर थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स, और नीचे आ जाएगा जस्ट माइनस फोर। ओके जी, आगे देखें, इसके बाद माइनस फोर प्लस टू, इसका आंसर आ जाएगा माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस सिक्सटीन, तो सिक्सटीन फोर ट्वेंटी, तो माइनस ट्वेंटी टू आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एट ओवर थ्री। देखें यहाँ पे ये माइनस ऊपर वाला नीचे वाले माइनस से कट जाएगा, और टू के टेबल में काट दें, टू टू ज़ा फोर और टू थ्री ज़ा सिक्स। ये माइनस नीचे वाले माइनस से कट जाएगा, तो ऊपर कैंसिलेशन कर दें, टू वन ज़ा टू, टू इलेवन ज़ा ट्वेंटी टू। अच्छा अब देखें, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो पहले डिवीजन आ रहा है इसको आपने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। बेसिकली हम यहाँ पर बॉड मैथ्स को फॉलो करेंगे, तो बॉड मैथ्स को फॉलो करने के लिए आप देखें पहले डिवीजन आता है और उसके बाद एडिशन आता है, तो आप इस डिवीजन को कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लिकेशन में। जैसे इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो वेरी नेक्स्ट नंबर होता है यानी कि एट ओवर थ्री, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, थ्री ऊपर आ जाएगा और एट नीचे आ जाएगा। ओके जी, अब आप क्या करें कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, थ्री को ऊपर वन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आ जाएगा, और नीचे एट को इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्टी एट आ जाएगा। थ्री ओवर एट को हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जी, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स के दरमियान, दो फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान जो है वो प्लस का साइन है, तो आप इनका लेंगे एलसीएम। ओके, अब इनके एलसीएम लेंगे 88 का और 2 का, 88 का और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 88। अब जो है आप 88 का टेबल पढ़ेंगे, आपके पास 88 आए तो 88 वन ज़ा वन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा। प्लस दूसरी फ्रैक्शन पे चलते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 88 आए, 2 44 ज़ा 88, 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है, 44 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा 132। में आप 3 प्लस करें तो 132 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 135 ओवर 88 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 135 को डिवीजन में रखें, 88 को बाहर रखें, तो अगर आप 88 टू ज़ा करें तो वो आता है 176, तो 88 वन्स आएगा यहाँ पे, तो 135 माइनस 88 तो ये आ जाएगा 47, तो 147 ओवर 88 इसका आंसर आ जाएगा। वन होल 47 ओवर 88 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर बुक में ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब है कि बुक वाले आंसर जो है वो गलत है, हमारा आंसर जो है वो ठीक है। जो सेवन्थ एडिशन है D1 का, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो हम आपको बताते भी रहते हैं साथ साथ, तो हम कोशिश करेंगे जो है वो D1 के जो राइटर्स हैं इनको मेल करते हैं कि जो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसमें गलतियाँ कम से कम हों।
क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। अजीब सा लगता है कि ऊपर भी सॉल्यूशन लिखा है फिर नीचे भी हमने उसको लिख दिया, लेकिन एनी हाउ आपको समझ आना चाहिए। ओके जी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 15x, सबसे पहले आप ब्रैकेट एक्सपेंड करें। आप पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस होता है तो ये आ जाएगा माइनस 7y, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ जाएगा माइनस 18x, और प्लस 4y ऐसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करें कि x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, माइनस 18x जो है ये 15x के साथ आएगा, और माइनस 7y प्लस 4y अलग हो जाएगा। 15x माइनस 18x, 15 माइनस 18 का आंसर आएगा माइनस 3x। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। माइनस 4y माइनस 7y प्लस 4y का आंसर आएगा माइनस 3y, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो माइनस 3x माइनस 3y इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5y, माइनस माइनस होता है प्लस तो ये आ जाएगा प्लस 10y, और आगे आ जाएगा माइनस 7x। माइनस 3x के साथ आप लिखें माइनस 7x, और माइनस 5y और प्लस 10y आप अलग कर लें। माइनस 3x माइनस 7x का आंसर आएगा माइनस 10x, और माइनस 5y प्लस 10y का आंसर आ जाएगा प्लस 5y। ओके सबसे पहले ब्रैकेट एक्सपेंड करें, माइनस माइनस होता है प्लस तो यह आ जाएगा प्लस 2y, फिर माइनस 8x, और माइनस माइनस होता है प्लस तो यह आ जाएगा प्लस 12y। नाइन एक्स और माइनस 8x इनको आप इकट्ठा कर लें, ये हमने साथ साथ लिख दिया, और वाई वाली टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया। 9 माइनस 8 का आंसर आता है 1, तो यह आ जाएगा 1x, और 2y प्लस 14, 2y प्लस 12y का आंसर आता है 14y, तो 1x प्लस 14y इसका आंसर आ जाएगा। 1x को आप जो है वो सिंपली x भी लिख सकते हैं, x प्लस 14y फाइनल आंसर आ जाएगा।
टी पार्ट है -7x -15y -12x +-6y। सबसे पहले आप ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +15y। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +2x। प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आ जाएगा -6y। -7x और +2x को आप इकट्ठा कर लें और +15y और -6y को एक साथ लिख लें। -7x + 2x माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 माइनस किए तो आ जाएगा -5x। +15 - 6 आ जाएगा +9y। -5x + 9y इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए पार्ट को हमने लिखा है 1/4x + 1/3y। एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो 1/4x, तो ये x जो है ये हमेशा इस ऊपर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये आ जाएगा x/4। तो ये आपके पास आ जाएगा x/4 और ये आपके पास आ जाएगा x/3। अब दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस है, तो आप इनका लें एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, तो आपके पास आ जाएगा 12। तो जब 12 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो आप 4 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 12 आए, 4 3 12, 3 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो आ जाएगा 3x। और फिर प्लस 3 का टेबल पढ़ेंगे, 12 है, 3 4 12, तो 4 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो आ जाएगा 4x। +4x आ जाएगा 7x। तो 7x/12 इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा, और इसको आप जो है वो 7/12x भी लिख सकते हैं। यानी कि 7/12 लिख कर, तो जो x है वो आप यहाँ पर इसके बाद भी लिख सकते हैं। आप क्या करें, जो y है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 2y/5 और उसके बाद आ जाएगा y/3। अब आप दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, तो इनका लेंगे एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 15 है, 5 3 15, 3 को मल्टीप्लाई करें आप 2y के साथ, तो आ जाएगा 6y। -3 का टेबल पढ़ेंगे, 15 है, 3 5 15, 5 को मल्टीप्लाई करें y के साथ, तो आ जाएगा 5y। -5y का आंसर आ जाएगा 1y, यानी कि सिंपल y/15। और इसको आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो मेथड होगा 1/15 लिख कर उसके बाद आप लिखते हैं y। ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, नीचे वाला आंसर भी ठीक है।
सी पार्ट है माइनस 3/7a प्लस 3/5a। सबसे पहले आप एक काम करें कि आप a को जो है वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3a/5, और इस इधर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3a/7। दो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में माइनस है तो आप इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे 5 और 7 का तो 7 × 5 = 35 एलसीएम आ जाएगा। 7 का टेबल पढ़ेंगे 35 है, 7 × 5 = 35, 5 को मल्टीप्लाई करें आप 3 के साथ तो 5 × 3 आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा -15a। फिर आएगा प्लस 5 × 7 = 35, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 7 × 3 = 21a, इसका आंसर आ जाएगा ऊपर। ट्वेंटी वन में से आप क्या करें कि 15 को माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6a + 6a / 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप किसी और मेथड से भी ले सकते हैं, और वो मेथड होगा कि 6/35 लिखकर तो उसके बाद आप a लिखते हैं, 6/35 ये आंसर आ जाएगा। डी पार्ट है 9/4b - 4/3b। पहले आप बी को जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर के साथ तो आ जाएगा 4b/3, और यहां पर आ जाएगा 9b/4। दो टर्म्स हैं दरमियान में माइनस है तो हम इनका लेंगे एलसीएम। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस या प्लस आए तो हम हमेशा उनका एलसीएम लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। 4 का टेबल पढ़ेंगे 12y, 4 × 3 = 12, 3 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 9 × 3 = 27 भी आ जाएगा। माइनस 3 का टेबल पढ़ेंगे 12y, 3 × 4 = 12, 4 को मल्टीप्लाई करें 4b के साथ तो आ जाएगा 16b। ट्वेंटी सेवन में से आप जो है वो 16 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 × 26, तो ये आपके पास आ जाएगा 11b। b/12 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको एक और लिखने का मेथड है कि 11/12 लिखकर उसके आगे आप लिखते हैं बी। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस, और सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन पी इज दिस, क्यू इज दिस एंड आर इज दिस। पहले हम करते हैं जी फर्स्ट पार्ट। ओके जी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनकी ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें। ये प्लस माइनस होता है, माइनस तो ये आ जाएगा माइनस क्यू माइनस 7r, माइनस माइनस होता है प्लस तो ये आ जाएगा प्लस 8p माइनस और प्लस 2r आ जाएगा।
3p के साथ आप लिखें प्लस 8p और माइनस q के साथ आप लिखें माइनस q और r के साथ आप लिखें r। 3p प्लस 8p आ जाएगा 11p और माइनस क्यू आ जाएगा माइनस 2q और माइनस 7r प्लस 2r आ जाएगा माइनस 5r। ओके, ये है इसका ए पार्ट। इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन पी इज दिस, क्यू इज दिस एंड आर इज दिस। यहाँ पे आप लिखें इट इज गिवन डैट पी इज दिस, क्यू इज दिस एंड आर इज दिस। तो आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पे दोबारा लिखें। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। p की जगह पर आ जाएगा यहां पर 2 और q की जगह पर आ जाएगा माइनस 1 होल 1 ओवर 2, 2 टू जा 1, 2 टू जा 1 और 1 3 ओवर 2, ये आ जाएगा 3 ओवर 2 और ये आएगा माइनस 3 ओवर 2 और r की जगह पर आ जाएगा माइनस 5। इलेवन टू ज़ा 22, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से कैंसिल तो आ जाएगा 3, प्लस 3। तो उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 5 ज़ा 25, तो ये आ जाएगा प्लस 25। तो 22 प्लस 3 इज़ 25, 25 प्लस 25 ये आंसर आ जाएगा आपके पास 50। That's it. Next हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 ये है राज इज 12 m years old। राज इज 12 m years old। जो राज की जो एज है वो है 12 m years। ओके, हिज सन वॉज बॉर्न वेन ही वॉज 9 m years old। उसका बेटा तब पैदा हुआ था when he was 9 m years old। यानी अभी जो है वो राज की एज है 12 m years old। जब वो 9 m years old था तो तब उसका बेटा पैदा हुआ था, यानी कि कितने साल पहले, 3 m years पहले। ओके, 3 m years पहले राज का बेटा पैदा हुआ था, यानी कि जब राज 9 m years का था तब उसका बेटा पैदा हुआ था। फाइंड राज एज 5 years later। हमने राज की एज फाइंड करनी है 5 years later। देखें अभी उसकी एज जो है वो 12 है, तो 5 years later हो जाएगी 12 + 5, यानी 12m + 5। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 12m + 5, ये उसकी एज आ जाएगी 5 years later। अच्छा, सेकंड है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 years time। सम ऑफ देयर एजेस मीन किस किस की एज, यानी कि राज की एज और उसके सन की एज। ठीक है, यानी कि राज की एज और उसके सन की एज 5 years time में, यानी 5 साल बाद के वक़्त में उन दोनों की एजेस का आप सम फाइंड करें। तो 5 साल बाद के टाइम में जो राज की एज होगी वो क्या होगी, 12m + 5। तो लेकिन उसका जो बेटा है उसकी एज क्या होगी, पहले हमें ये पता करना है कि उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या है। देखें जब राज 9 years का था तब उसका बेटा पैदा हुआ था, तो अभी राज जो है वो 12 m years का है। तो यानी जब बेटा पैदा हुआ था 9 m years की ओल्ड में, तो अब 12 m years
तक वो उसका बेटा 3 ईयर्स का हो चुका है, तो यानी कि उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो 3M है, तो 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद उसके बेटे की एज होगी 3M+5, ठीक हो गया। तो अभी ये सारा करके दिखाते हैं आप, ओके राज इज 12 ईयर्स ओल्ड, हिज सन वॉज बोर्न वेन ही वॉज 9 ईयर्स ओल्ड, फाइंड राज एज इन 5 ईयर्स टाइम। हमने राज की एज फाइंड करनी है 5 ईयर्स टाइम में, तो यहाँ पे आप लिखें राज एज 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद राज की एज क्या होगी, अभी राज की एज है 12M, तो 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 12M+5। ओके जी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपके पास। ओके सेकंड पार्ट है फाइंड द सम ऑफ द एजेस इन 5 ईयर्स टाइम, तो 5 ईयर्स टाइम में 5 ईयर्स लेटर कह लें या 5 ईयर्स टाइम में एक ही बात है, तो 5 ईयर्स टाइम में जो राज की एज है वो हो जाएगी 12M+5। तो पहले आप लिख लें राज की एज यानी कि 12M+5, तो इसमें आपने प्लस करना है उसके बेटे की एज, उसके बेटे की अभी प्रेजेंट एज है 3M ईयर्स ओल्ड, तो 5 ईयर्स टाइम पर हो जाएगी 3M+5, तो ये आ जाएगा 3M+5। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली आपके पास आते हैं NTS में और GAT के पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के लिए आप इनकी ब्रैकेट एक्सपेंड कर दें, तो 3M और 12M को एक साथ लिख लें और 5 और 5 एक साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3M+12M आ जाएगा 15M और +5+5 आ जाएगा 10, तो 15M+10 इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। हुगजिन बॉट 8 books एट $W ईच एंड 7 pens एट $M ईच, शी हैड 3W+5M लेफ्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट। ओके स्टोरी हमारे पास ये है कि हुगजिन बॉट 8 books एट $W ईच एंड 7 pens एट $M ईच। ओके हुगजिन ने 8 किताबें खरीदी हैं और जिसमें से एक बुक की जो प्राइस है वो है $W और उसने 7 pens लिए हैं और एक पेन की प्राइस है $M, तो शी हैड दिस लेफ्ट, उसके पास सारे पैसे खर्चने के बाद इतने डॉलर जो हैं उसके पास बाकी बचे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट, हमने अमाउंट ऑफ मनी फाइंड करनी है जो उसके पास पहले थी। फ़र्ज़ करें कि उसके पास जो थी, जो पहले अमाउंट ऑफ मनी थी वो उसके पास एक्स थी, ठीक है, कैपिटल एक्स ले लें, कैपिटल एक्स जो है ना अमाउंट ऑफ मनी उसके पास पहले थी, उसमें से उसने क्या खर्च किया, उसने खर्च किया वहाँ पर 8 books एट $W ईच। अगर एक किताब $W की है तो 8 books कितने की आएंगी, 8 $W की, और
प्लस उसने क्या लिया 7 pence at $8 की, तो 7 pence कितने के आएंगे, 7 M dollars के। तो ये खर्चने के बाद उसके पास बाकी क्या बचा, 3W + 5M, ये उसके पास जो है वो बाकी बचा। ओके, तो अभी हम इसको मैथमेटिकली करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड एट फर्स्ट, लेट द अमाउंट ऑफ मनी लेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू एक्स। ओके, देन वी हैव, अच्छा फिर हमारे पास, या आप यहां पे लिख लें देन देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या क्या आपके पास आएगी, स्टेटमेंट क्या आएगी कि आप उसके पास टोटल एक्स थे, उसने उसमें से कितने स्पेंड किए, उसने स्पेंड किए 8W + 7M, इतने डॉलर स्पेंड किए, तो बाकी कितने बचे उसके पास, बाकी उसके पास बचे 3W + 5M। ओके, अच्छा ये हम सारी डॉलर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक्स के साथ भी लिख लें कि एक्स डॉलर्स। इसको आप एक्सपेंड करें, ये आपके पास आ जाएगा 8W - 7M, -7M माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, ये जो 8W और 7M है इसको आप जो है ना यहाँ पर इज इक्वल टू के उस साइड पे ले जाएं, तो इधर आकर ही आ जाएगा, वहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पर आकर हो जाएगा प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा 8W + 7M। तो अब आप इनको प्लस कर लें, 8W को आप W के साथ लिख लें, 3W के साथ, और M को आप M के साथ लिख लें, लाइक टर्म्स को आप लिख लिए, अब लाइक टर्म्स को आप प्लस कर लें, 8 and 3 आ जाएगा 11W और 5 and 7 आ जाएगा 12M। तो 11W + 12M जो है ना वो अमाउंट होगी जो कि उसके पास पहले थी, और ये जो है अमाउंट है ये डॉलर्स में होगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अमाउंट लिखकर तो यहां पर आप डॉलर का साइन लगा दें। ओके जी, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन 13 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 13 ये है, एट अ फेमस रोटी पराठा शॉप एक मशहूर दुकान है रोटी पराठा शॉप, फॉर एवरी 2 पीपल हु ऑर्डर एग पराठा, हर 2 लोग जो एग पराठा का ऑर्डर देते हैं, देर आर 5 पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा, उसके मुकाबले में 5 पीपल ऐसे होते हैं जो कि प्लेन पराठे का ऑर्डर देते हैं। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसका ज़रा फ़ॉन्ट साइज हम स्मॉल कर लें ताकि ये स्क्रीन पे इजीली जो है वो हैंडल हो जाए।
ओके, एट अ फेमस रोटी पराठा शॉप फॉर एवरी टू पीपल हु ऑर्डर एग पराठा, हर दो लोग जो हैं वो अगर एग पराठा, ई पी स्टैंड फॉर एग पराठा, हर दो लोग अगर एग पराठा का ऑर्डर देते हैं, देर आर फाइव पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा। तो वहाँ पर फाइव पीपल ऐसे हैं जो कि प्लेन पराठा का ऑर्डर देते हैं। ओके, यानी ये उनमें एक फार्मूला है, टू पीपल, टू एग पराठा पीपल इज इक्वल टू फाइव प्लेन पराठा पीपल। ओके, ये फार्मूला हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने इसको फॉलो करके तो सारे पार्ट्स का हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। ओके, ईजी है, चलिए अभी करके दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, फॉर एवरी टू पीपल हु ऑर्डर, आप यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि टू पीपल हु ऑर्डर एग पराठा वी हैव फाइव पीपल हु ऑर्डर प्लेन पराठा, ये हमने खुद से लिख लिया है, ई पी स्टैंड्स फॉर एग पराठा, पी पी स्टैंड्स फॉर प्लेन पराठा। ओके, इसमें हमने परेशान नहीं होना कि हम ई पी या पी पी क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब देखें कि अब क्या होगा, यहाँ से आप फार्मूलाज बना लें। तो अगर आपने यहाँ से फाइंड करना है, लेट सपोज कि आप चाहते हैं कि एग पराठा, एक एग पराठा हमने फाइंड करना है, तो वन एग पराठा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस टू को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा फाइव ओवर टू प्लेन पराठा। ओके, तो ये हमने इसका फार्मूला बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा, हम इसी को ही यूज़ कर लेते हैं। देखिए, वन एग पराठा किसके इक्वल होगा, फाइव ओवर टू प्लेन पराठा के, और अगर हम प्लेन पराठा का फॉर्मूला फाइंड करना चाहें तो वन प्लेन पराठा किसके इक्वल होगा, वन प्लेन पराठा के लिए फाइव उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू ओवर फाइव एग पराठा के। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक फार्मूला था, वहाँ से हमने दो फार्मूलाज को मज़ीद बना लिया। इसको आप कह दें, आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन जितना इसको नाम देंगे उतना ही आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। सिंपली याद रखें कि एक चीज़ आपके पास ये चीज़ गिवन है, ठीक है, वहाँ से आपने एक चीज़ ये बना ली, ये नंबर वन बना लिया आपने, और एक चीज़ ये आपने नंबर टू बना ली। ओके, तो आगे अगर मैं क्वेश्चन के आंसर के साथ में आपको बताऊंगा कि यूजिंग नंबर वन, यूजिंग नंबर टू, तो आप मज़ीद कन्फ्यूज़ होंगे। सिंपली इसको आप डायरेक्ट देख लें तो वो डायरेक्ट आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलें जी, अब चलते हैं हम ए पार्ट की तरफ। अच्छा, ए पार्ट क्या है आपके पास कि इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा, ये देखें, इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। देखें, इफ़ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा, यानी कि ए पीपल अगर एग पराठा का ऑर्डर देते हैं तो हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। तो हमने ये देखना है कि एग पराठा और प्लेन पराठा का फार्मूला कौन सा है, यानी हमने फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। प्लेन पराठा फाइंड करना है तो हमने जिसको फाइंड करना होता है ना, वो हमारी राइट साइड पे आता है। तो देखें, राइट साइड पे प्लेन पराठा कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड पे प्लेन पराठा यहाँ पे आ रहा है, ये फार्मूला है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि एज वी नो ओके, एज वी नो वन एग पराठा इज इक्वल टू फाइव ओवर टू प्लेन पराठा, तो हमने फाइंड करना है ए एग पराठा।
ओके हमारे पास क्या था, इफ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा, ये वन एग पराठा का मतलब है कि वन पीपल, तो जब ए फाइंड करना है तो दोनों साइड्स पे आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा ए ई पी, यानी कि ए एग पराठा, यहाँ पर आ जाएगा ए एग पराठा। तो इधर 5/2 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5/2 ए, और आगे पी पी स्टैंड्स फॉर प्लेन पराठा। ओके तो इसके इसका बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 प्लेन पराठा। तो यहाँ पे आप लिख दें, इफ ए पीपल ऑर्डर एग पराठा देन हाउ मेनी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा। Then it means that 5/2 A people order plain paratha. लें जी, ये आपके पास हो गया पार्ट वन। अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है कि if B people order plain paratha, how many people order egg paratha? अब हमने फाइंड करना है कि अगर बी पीपल प्लेन पराठा का ऑर्डर देते हैं तो कितने लोग एग पराठा का ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो आप देखें कि एग पराठा किसके राइट साइड पे आ रहा है, ये देखें ये फार्मूला है जिसके राइट साइड पे एग पराठा आ रहा है, तो आपने इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड पार्ट बी पार्ट के लिए। यहाँ पर आप लिख लें, एज वी नो डैट कि वन प्लेन पराठा इज इक्वल टू 2/5 एग पराठा, तो यानी वन का मतलब है कि वन पर्सन प्लेन पराठा, यानी अगर एक बंदा प्लेन पराठा का ऑर्डर देता है तो जो लोग एग पराठा लेंगे वो 2/5 पीपल होंगे। अच्छा, लेकिन अब हमने क्या फाइंड करना है कि बी पीपल, अगर बी पीपल ऑर्डर दें तो यहाँ पर आ जाएगा बी, बी प्लेन पराठा, तो इधर आप 2/5 को भी बी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मैथ का असूल है कि जो काम हम एक साइड पे करते हैं वही काम हम दूसरी साइड पे करते हैं, तो हमने इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो देखें जी, इसका आंसर आ जाएगा 2/5 बी एग पराठा। तो देखें क्वेश्चन क्या था कि इफ़ बी पीपल ऑर्डर प्लेन पराठा देन हाउ मैनी पीपल ऑर्डर एग पराठा, तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि then it means that 2/5 b people order egg paratha. Okay ji, 2/5 people, 2/5 b people order egg paratha. ठीक हो गया। अच्छा, next c part है, if there are अ टोटल ऑफ सी पीपल इन द शॉप। वैसे ये पराठा का नाम देख के ना तो मुझे लाहौर लिबर्टी मार्केट का पराठा रोल याद आ गया, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलें बहरहाल, अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पराठा रोल बाद में खाएंगे। तो सी पार्ट है हमारे पास, इफ देर आर अ टोटल ऑफ सी पीपल इन अ शॉप, अगर किसी शॉप में सी पीपल है यानी कि सी लोग वहाँ पे हैं, सी कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 1, 2, 3, 4 कोई नंबर है हमारे पास, हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा, तो उनमें से कितने लोग एग पराठा ऑर्डर करेंगे। अच्छा देखिए, एक शॉप है वहाँ पे सी पीपल हैं, सी पीपल हैं जो कि टोटल लोग हैं, तो हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा। तो आप ये देखें कि अगर फ़र्ज करें कि हम लेट कर लो कि अगर एक्स लोग हैं, अगर एक्स लोग हैं जो कि एग पराठा का ऑर्डर देते हैं, तो फिर प्लेन पराठा का ऑर्डर कितने लोग देंगे। अगर x लोग एग पराठा का ऑर्डर देते हैं तो प्लेन पराठा का ऑर्डर देने के लिए आप देखें कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, तो प्लेन पराठा का ऑर्डर जो लोग देंगे वो आ जाएगा 5/2x, 5/2x, यानी ये आ गया एग पराठा का, ये आ गया प्लेन पराठा का। तो हमने यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करी है, क्योंकि x वो नंबर है जो हमने टोटल लिया है कि वो लोग जो कि एग पराठा का ऑर्डर देंगे। चलें अभी ये सारा क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। If there are total of c people, how many of them order egg paratha? Let the number of
लेट द पीपल हु ऑर्डर एग पराठा इज इक्वल टू एक्स देन द पीपल हु विल ऑर्डर प्लेन पराठा. अच्छा फिर वो लोग जो कि प्लेन पराठा को ऑर्डर देंगे वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 5/2x. उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें जो हमने जो लोग जो हमने पहले फाइंड किया था कि जो प्लेन पराठा का जो लोग आ रहे थे वो आ रहे थे 5/2 समथिंग, यानी 5/2 के आगे वो नंबर जो कि एग पराठा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था 5/2. ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. अगर एक्स लोग जो है वो एग पराठा ले रहे हैं तो वो लोग जो प्लेन पराठा लेंगे वो 5/2x होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर लिखें इट इज़ गिवन डैट द टोटल पीपल आर सी. हमारे पास स्टेटमेंट में यही दिया हुआ है ना कि जो टोटल लोग हैं वो सी है, तो देन वी हैव. अच्छा तो फिर क्या होगा अगर सारे लोग सी हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा. सारे लोगों का मतलब है कि जब आप एग पराठा और जब आप प्लेन पराठा के लोगों को प्लस करें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल के इक्वल आना चाहिए. ओके, तो यानी कि इसका मतलब है हम यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं कि अगर आप एग पराठा एक्स प्लस आप प्लेन पराठा 5/2x को प्लस करें तो उसका आंसर सी के इक्वल आना चाहिए. ठीक हो गया. तो यहाँ से आप ऐसा करें कि यहाँ से आप जो है ना एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें. बेसिकली हमने फाइंड करना है कि हाउ मैनी ऑफ देम ऑर्डर एग पराठा. हमने वो लोग फाइंड करने हैं जो कि एग पराठा ऑर्डर कर रहे हैं और वो लोग हैं एक्स. तो आप बेसिकली यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करें. तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसका एलसीएम ले लें. एलसीएम लेंगे तो पहले आप ऐसा करें, इसको लिख लें 5x/2 और इसको लिख लें आप बस x रहने दें इसको. अच्छा जी, अब आप क्या करें, एलसीएम ले लें. एलसीएम आपके पास आ जाएगा इसका 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 2x और प्लस आ जाएगा 5x. अच्छा जी, तो अब आपके पास बन जाएगा 2 और 5 आ जाएगा 7x. 7x/2 इज इक्वल टू सी. यहाँ से आप x फाइंड करेंगे तो ये 7/2 उधर जाकर बन जाएगा 2/7. तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7 और इधर आपके पास बच जाएगा सिर्फ x. x इज इक्वल टू 2/7c. तो देखें ये आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/7c. तो ये क्या है, ये वो लोग हैं जो कि एग पराठा ऑर्डर करेंगे. तो आप लिखते हैं इफ द टोटल पीपल आर सी इन द शॉप देन द पीपल हु विल ऑर्डर एग पराठा will be कौन से होंगे 2/7c. ये आपके पास आंसर आ गया. तो ये था जनाब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4a. बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है. हर मुल्क के बच्चे की जो एक ही प्रॉब्लम है वो है वर्ड प्रॉब्लम. तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने हम कोशिश करते हैं कि इतने आसान मेथड से आपको एक्सप्लेन करें कि आप सारी की सारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ जाएं. लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई हो तो वी आर वेरी सॉरी फॉर डैट. जो कमी हो वो आप कमेंट्स में बताया करें, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम उस कमी को दूर करें और आपके लिए ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा अच्छी आवाज़ में, ज़्यादा क्लियर पिक्चर में आपके पास जो है वो हम ये सारा अपना सलूशन प्रेजेंट करें. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स को आप ये वीडियोस भेजें, और अगर आप टीचर हैं तो आप यहाँ से सीख रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें
कि सर हमें बहुत अच्छा लगा आपके पढ़ाने से, हमें बहुत समझ आई है, आपके कमेंट्स से हमें अप्रिसिएशन मिलती है, और फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।